अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहाबिही अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम तिजारत के इस्लामी उसूल में। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह के फजल एहसान और तौफीक से हम लोगों ने कई मौजू आज तक देखे हैं इस प्रोग्राम के तहत। आज हम इस नशस्त में इंशाल्लाह कुछ मौजू और देखेंगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा की तिजारत में जो कुछ सवालात उठते हैं उसके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देखने में हमारा मकसद यही है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए लिमिट्स है, कैद है, और जो इनकार करता है उसके लिए ये जन्नत है उसकी। तो हम देखते हैं मोमिन के पास लिमिट होती है, ये हलाल है ये हराम है, हलाल के दायरे में रहना, हराम में मत जाना। उसी मकसद के तहत ताकि सही बात हम जान लें कि क्या क्या दायरा क्या है, ताकि हम अपनी तिजारतों में भी उस दायरे में रहकर तिजारत करें और हलाल रोज़ी खुद भी कमाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी, अपने घर वालों को भी खिलाएं। मेरे भाइयों, आज जो हम मौजू देखने वाले हैं वो है लायबिलिटी। कोई कर्ज़ हमने किसी को अगर दिया है, वो कर्ज़ अगर सामने वाला देते टाइम पर कम देता है तो कैसा है? क्या मतलब? मिसाल के तौर पर यह मसला कई जगहों पर आता है, कई सारे इस्लामी तिजारतों में आता है, कई सारे हमारे हलाल ऑप्शन में ये मसला फिट होता है और कई सारे प्रॉब्लम्स का हल भी है। सवाल यहाँ ये है कि मान लीजिए कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दिए हैं। जो उसने 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दिए हैं, मान लीजिए अगर ऐसा हो कि सामने वाला अदा कर रहा है, कभी थोड़ा 25,000 दे दिया, कभी 10-20,000 दे दिया, अब वो कहता है कि देखो ऐसा करो थोड़ा कुछ कम कर दो तो मैं तुम्हें एक बार में देके ख़त्म कर देता हूँ। तो वो कहता है ठीक है 1 लाख है, ऐसा करो मुझे 90,000 ही अदा कर दो, टोटल मसला ख़त्म करो, ये कर्ज़ का रोज़ रोज़ मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, रोज़ रोज़ तुम मुझे वक्त देते हो, 90,000 दे दो ख़त्म करो। और सामने वाला अगर 90,000 अदा कर देता है और जो उसने अपने कर्ज़ को 10,000 माइनस कर दिया, या मान लीजिए 2,000, 1,000 कुछ भी माइनस किया, तो क्या ये माइनस करने की इजाज़त है उसे या नहीं? ये सवाल है। जाहिर सी बात यह है कि वो उसके पैसे हैं, वो छोड़ना चाहता है, तो कौन कह सकता है कि गलत है? कौन कह सकता है गलत है? उसके पैसे हैं, वो बोले नहीं चाहिए मुझे, रहने दो, तो इसमें कौन कह सकता है कि गलत है? तो इस मसले को हम शरीयत में कहते हैं दावत अज्जल, कि छोड़ो कुछ और जल्दी पालो पैसे। क्या ये मसला जायज़ है या नाजायज़ है? हम देखते हैं कि मजमा अल-फिक्हिया अल-इस्लामिया को ये सवाल पूछा गया और उन्होंने ये बात के ताल्लुक से ये फतवा दिया जो उनके वेबसाइट पर भी कोटेड है कि ये चीज़ जायज़ है और इसके ताल्लुक से उन्होंने इजाज़त दिया है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड के सीनियर स्कॉलर्स की कमेटी भी जो है वो लोगों ने भी इस चीज़ की इजाज़त दी है। और इजाज़त के अंदर हम देखते हैं कि इस मसले पर एक्चुअली उलमा में दो ओपिनियंस हैं। इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद, इनका यह कहना है कि जायज़ है। और हम देखते हैं कि हनफी फ़िक़्ह के अंदर भी इमाम इब्न आबदीन ने अपनी किताब शरह दुर मुख्तार के अंदर लिखा है Volume 5 Page 160 कि ये मसला जायज़ है। उसी तरह शेख उस्लाम इबन तैमिया, इबन क़य्यिम, ये लोगों का भी ये मसला वो कहते हैं कि जायज़ है, लेकिन कुछ उलमा ने कहा है कि नाजायज़ है। तो ये चीज़ के ताल्लुक से हम देखते हैं कि मौजूद है, लेकिन ये सही बात समझने के लिए हमें कुरान हदीस की तरफ देखना होगा, क्योंकि ये मसला कई जगहों पर अप्लाई होता है और इसमें ख़तरा भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हो कि लिमिट आदमी ना जाने तो उसके ख़तरे को वो पार करके हराम में चले जाएगा अगर ख्याल नहीं रखेगा, तो क्या ख़तरा है हम अभी देखेंगे। हम देखते हैं कि हदीस इस बारे में ये मौजूद है, तबरानी की हाकिम की हदीस है। इस हदीस की सनद के ताल्लुक से कुछ लोगों ने इख्तलाफ़ किया। इस हदीस में एक रावी है मुस्लिम बिन खालिद, जिसके ताल्लुक से एतराज़ उठाया गया है, लेकिन सही बात यह है कि ये रावी की तौसीक़ मौजूद है और ये रावी की हदीसों को हसन दर्जा माना जाएगा। इसके ताल्लुक से तहकीक ज़्यादा मजबूत है और हमें उलमा की इस बारे में अक़वाल मिलते हैं, जिसकी वजह से इस हदीस को हसन दर्जे तक हम देखते हैं, और ये बात खुद दलील के तौर पर है। ये हदीस इस मसले को बहुत वाज़ह करती है और ये इख्तलाफ़ को ख़त्म करती है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बि इख़राज बनी नज़ीर मिन अल मदीना। नबी सल्लम ने हुक्म दिया कि बनू नज़ीर जो कबीला है उसको मदीना से निकाल दिया जाए, उन्होंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। जाहु नासुम मिनहुम, उनके पास उनमें से कुछ लोग आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन लोगों में से कुछ लोग आए। फ़क़ालू इन्ना लना दुयूनन लम तहिल, वो कहते हैं हमारे कर्जे बाकी है यहाँ पर जो लोगों ने अदा नहीं किए हैं, हमने कर्जे दिए यहाँ पर मदीना में लोगों को जो उन्होंने अब तक अदा नहीं किया है, कर्ज़ों का क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़क़ाला दऊ व ताजलू, कुछ हिस्सा छोड़ दो और पैसे जल्दी ले लो। दऊ व ताजलू, कुछ छोड़ करके पैसे जल्दी ले लो। ये हदीस खुद दलील बन गई
कि कुछ हिस्सा छोड़कर पैसे वापस लेना जायज़ है, तो जो इस बारे में इख्तलाफ है कि ये छोड़कर वापस नहीं ले सकते हैं, इसकी दलील है। और हकीकत में ये बात की कोई बहुत बड़ी दलील की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आदमी के खुद के पैसे वो छोड़ना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। हाँ, रजामंदी से छोड़े, कोई फोर्स नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सजेशन दिया कि तुम छोड़ दो, कुछ हिस्सा ले लो, ये एक सजेशन था और ये एक जायज़ चीज़ है, इसीलिए सजेशन दिया। तो हम देखते हैं कि ये पहली दलील है, दारकुतनी की हदीस है, ये दारकुतनी, तबरानी, बैहकी, ये सब जगहों पर मौजूद है, हाकिम, तबरानी। दूसरी हदीस हम देख रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से हमें कॉल मिलता है, सहाबी का कॉल है, वो इस हदीस के रावी भी है। वो कहते हैं इन्नम रिबा अखिर ली वाना अजीदक, के सूत तो ये है कि ताखिर से पेमेंट लो और मैं बढ़ा के दूँ। वो कहते हैं वलैसा अजिल ली वाना अदा अंक, वो बोलते हैं कि सूद ये थोड़ी है कि मैं जल्दी पैसे दूँ और कम कर दो, मतलब बढ़ाना वो सूद है, कम करना थोड़ी सूद है। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये बात कहते हैं, ये भी बात में दलील है। और हम देखते हैं कि दोनों तरफ का फ़ायदा है, जिसका कर्ज़ है उसका फ़ायदा क्या है कि जो कर्ज में है उसे कुछ कम होके मिल रहा है, और जिसका कर्ज दिया हुआ है उसको पैसे अपने जल्दी मिल रहे हैं, अगर वो लेना चाहता है तो ले सकता है, कौन कहता है कि नहीं कि ले सकता। तो इसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ के जवाज़ की ये सारे दलायल है, लेकिन इसमें एक शर्त है, बहुत अहम बात। मान लीजिए कि ये चीज़ जो बाद में हो रही है, ये सीन, यही सीन पहले हो तो, यही सीन अगर थोड़ा पहले हो तो क्या होगा। तो हम देखते हैं अगर ये चीज़ पहले हो तो बात ऐसी होगी तो अग्रीमेंट में वो लोग क्या लिखेंगे, सुनिए अभी। अगर होता तो, अगर अग्रीमेंट में वो लोग लिखते कि देखो 6 महीने में अगर आपने पैसे दिए तो 1 लाख देंगे, और अगर 5 महीने में, 4 महीने में दे दिए तो 90,000 देंगे। अब यहाँ अगर ये चीज़ लिखकर आ जाती अग्रीमेंट में, या ये बात तय होती थी उनके अग्रीमेंट में शुरू में, तो एक शरीयत की एक दलील से ये चीज़ टकरा जाती है। और वो क्या है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मन बा बैअतैनी फिल बैआ फलहु औ कसहुमा अव रिबा, अगर जो शख्स एक तिजारत में दो तिजारत करेगा तो सस्ती वाली होगी, नहीं तो सूद होगा। एक तिजारत के अंदर दो तिजारत नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर अग्रीमेंट में पहले से है कि अगर ये टाइम पे दिए तो 90,000 दोगे, नहीं तो 1 लाख दोगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा ना, एक तिजारत के अंदर नहीं होना चाहिए दो तिजारत, भाव तय हो, एक ही भाव तय हो, क्या भाव में हुआ वो एक ही होना चाहिए। ये तो एक टाइम पे दो भाव है, 90 भी आ रहा है, 1 लाख भी आ रहा है, एक तिजारत के अंदर दो तिजारत नहीं होनी चाहिए। अगर एक तिजारत में दो होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सस्ती वाली लिए, नहीं तो सूद दिए, तो उसमें वो 10,000 सूद हो गया। तो अगर पहले से ये चीज़ तय है तो ये चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन हाँ, बाद की बात है कि आदमी का 1 लाख बाकी है, वो कह रहे चल छोड़ दिया मैंने, तो वो उसकी मर्जी, वो छोड़ सकता है, लेकिन पहले से वो अग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए। पहले से अग्रीमेंट में हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वजह से मजमा अल-फिक्ह अल-इस्लामिया का जो फतवा है, इस्लामिक फिक काउंसिल का, उसमें भी उन्होंने कहा ये चीज़ जायज़ तब होगी अगर पहले से वो शर्त में नहीं आया है, और अगर पहले से शर्त में आया होगा तो ये एक सूद की शक्ल हो जाएगी, सूद का चोर दरवाज़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्ज़ अदा नहीं कर रहा होता है, तो उसको कुछ, अगर मान लीजिए कुछ कंसेशन दे दे कि भाई तुम ये दे दो, तुम अदा करो, तो जो कई कर्जे अटके हुए होते हैं उसे हासिल करने का एक तरीका है जो किया जा सकता है, और आदमी की इख्तियार की बात है, इसमें शरीयत रोक नहीं रही है। अगला सवाल, 0% इंटरेस्ट पर जो डील्स होते हैं, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है, कई चीज़ों का एडवर्टाइज़ किया जाता है 0% इंटरेस्ट, कोई भी सूद नहीं लेने वाले हम, 0% इंटरेस्ट पे तुम्हें ये गाड़ी मिलेगी, ये मोबाइल मिलेगा, ये लैपटॉप मिलेगा, ये कंप्यूटर मिलेगा, ये फ्रिज मिलेगा, ये टीवी मिलेगा, 0% इंटरेस्ट। अब ये 0% इंटरेस्ट की तिजारत करना क्या जायज़ है, नाजायज़ है? हम देखते हैं कि जब जाकर चेक किया जाता है 0% इंटरेस्ट वालों को, तो पूछा जाता है कि देखो ये कितने की गाड़ी है, ये कितने का कंप्यूटर है, बोलते हैं कंप्यूटर 35,000 का है, 0% इंटरेस्ट, मतलब तुम अपनी किश्तें अदा करो, हम लोग कुछ भी सूद नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सिर्फ किश्तें अदा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हमने किश्तों वाली तिजारत के मुताबिक कुछ डिटेल्स देख चुके हैं माजी में, अब यहाँ सवाल यह है, कहते हैं कि तुम किश्त अदा करो, अपने इंस्टॉलमेंट्स अदा करो, हम लोग कुछ भी सूद नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है, 35,000 भाव है। अब आदमी जाकर जब ऐसे 0% इंटरेस्ट वालों को पूछता है, कहता है मैं कैश में पेमेंट करना चाहता हूँ, मैं कैश में पेमेंट करना चाहता हूँ, कितना हो जाएगा? वो कहते हैं कैश में देना चाहते हो तो 30,000, कैश में देना चाहते हो तो 30,000, और इंस्टॉलमेंट पे देना चाहते हैं 35,000, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे, 0% इंटरेस्ट। तो ऑब्वियस बात है, ये 0% एक आई वॉश होता है, एक धोखे की चीज़ होती है, सिर्फ कहने की बात होती है 0%, वो भाव तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भाव बढ़ाने वाली तिजारत है, यानी दो भाव हो गए, हम देखते हैं कि शरीयत ने क्या चीज़ की इजाज़त दी है, क्या चीज़ की नहीं इजाज़त दी है, उसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्यों?
क्योंकि ये मसले में बहुत सारे कॉमनली प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ हिस्सा तक हम रिपीट करने वाले हैं। अगर आप हमारे मुराबहा वाली एपिसोड देख लें तो उसके अंदर ये बात डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। अभी सिर्फ मुख्तसर में रिविजन करेंगे। आप एक बात पर गौर करिए कि मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ के दो भाव है तो हदीस जो मैंने अभी पढ़ी अबू दाऊद की सही सनद से कि एक तिजारत में दो तिजारत मत करना, मतलब वो 30,000 में बेचे या 35,000 में बेचे, दो में से एक ही होना चाहिए पॉइंट ऑफ सेल पे, नंबर वन। नंबर दो, देखा जाता है कि 0% इंटरेस्ट देने वाली बैंक्स होती है अक्सर कि ये 0% इंटरेस्ट स्कीम किसकी तरफ से है, ये दुकानदार की तरफ से। बोलते नहीं, हम लोगों की तरफ से नहीं है, हमने फलां बैंक के साथ टाई अप किया, बैंक की तरफ से है। इसके अंदर वाजे बात क्या है कि बैंक के पास तो कंप्यूटर का पोजेशन है नहीं, कंप्यूटर तो दुकानदार के पास है। बैंक थोड़ी कंप्यूटर की दुकान खोल के रखता है, कंप्यूटर का स्टॉक रखता है, या गाड़ी का शोरूम खोल के रखा है, या गाड़ी को अपने गोडाउन में रखा है, बैंक के गोडाउन में गाड़ी पड़ी है, नहीं। हम देखते हैं वो गाड़ी तो निकल के आती है तो शोरूम से निकल के आती है, कंप्यूटर आता है तो शोरूम से आता है, बैंक के पास से तो नहीं आता है। बैंक के पास वो गाड़ी का पोजेशन नहीं है, वो कंप्यूटर का पोजेशन नहीं है। और हम देखते हैं कि वाज़े हदीस सुनन इब्न माजा अबू दाऊद वगैरह की गुजर चुकी है सही सनद से, जिसके अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तबी मा लैसा इंदक, जो तुम्हारे पास नहीं है मत बेचना। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग जहाँ पे खरीदते थे वहीं के वहीं बेच देते थे, उनको मारा जाता था कि तुमने यहाँ कैसे बेच दिए। क्यों? एक बार रूल समझा दिए, सिखा दिए। पैसा तो फितने की चीज़ है, पैसे के मामले में आदमी फिसल जाते हैं, तो लीगल तौर पर वो चीज़ अप्लाई की जाती है ताकि वो लोग गलत चीज़ में ना करें और गलत धोखे में ना पड़े और दूसरों को भी परेशान ना करें, जो कायदे हैं, कानून है। और ये जो रूल है इसके अंदर बेनिफिट्स है जो हम देख चुके हैं माजी में। अब हम देखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर बताते हैं कि उस जमाने में लोगों को पनिश भी किया जाता था अगर वो इस कायदे पे अमल नहीं करते थे। लेकिन यहां पे जो बैंक है, जो बैंक बेचने का दावा कर रही है 0% इंटरेस्ट पे, बैंक की तरफ से मिल रहा है, ये दावा है बैंक की तरफ से। अब बैंक के पास पोजेशन तो है ही नहीं, पोजेशन तो गाड़ी वाले के पास है या दुकानदार के पास है। अब शोरूम के अंदर से गाड़ी आने वाली है या शोरूम के अंदर से कंप्यूटर आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि बेचने वाला तो शोरूम ही है। और शोरूम को बैंक ने पेमेंट कर दी, कितना पेमेंट की, जो आप बाजे बता रहे हैं कि आप कैश पे दोगे तो 30 में हम देंगे, मतलब 30,000 का पेमेंट उन्हें बैंक से मिलता है और बैंक बदले में 35,000 लेगी। बैंक के पास पोजेशन नहीं है, मतलब बेचने वाली बैंक नहीं है। अगर खुद दुकानदार करता तो एक जायज की शक्ल है, अगर दो भाव में से एक भाव पॉइंट ऑफ सेल पे तय हो, पॉइंट ऑफ सेल पे एक भाव तय है तो जायज की दलील मिल रही है हमें। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल पे दो भाव है तो कोई भी करे गलत है। लेकिन अगर एक भाव तय है और बैंक कर रही है तो बैंक तो कर नहीं रही है, करने वाला तो दुकानदार है। बैंक ने 30,000 किसी के लिए पेमेंट की, बदले में 35,000 लेगी, तो 5,000 क्लियर कट सूद है। तो 0% इंटरेस्ट सिर्फ नाम लोग देखते हैं, उसका बोर्ड देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, देखो 0% इंटरेस्ट। तो उन्हें खुद कॉमन सेंस से पूछना चाहिए जो बैंक ऑफर कर रही है वो क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों को कहती है कि हम लोग तुम्हें फ्री में क्रेडिट देंगे, एक टका भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये क्या तुम्हें रियली लग रहा है ऐसा है? तो हम देखते हैं कि ये कुछ टर्म्स वगैरह को इस्तेमाल करके वो कहते हैं देखो ये चीज़ का MRP 35,000 ही है, MRP 35,000 है, लेकिन मिलता कितने में है, कैश पे दोगे तो मिलता है 30,000 में। कभी कभार वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का नाम लेते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ले रहे हैं, तो ये भी एक बहाना है, एक हीला है, एक सिर्फ टाइटल है, लेकिन हकीकत में वो सूद ही लिया जा रहा है। और आज जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं नहीं सूद सूद नहीं चाहिए, अलग अलग मजहब के लोग, कई कई धर्मों के लोग बोलते हैं नहीं सूद के चिंगुल में नहीं फंसना है, उसके दलदल में नहीं फंसना है। तो कई लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन ये चीज से बचने के लिए, उनको फंसाने के लिए ये टर्म 0% इंटरेस्ट का निकाला गया जिसमें एक आई वॉश है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो उसकी हकीकत को समझकर वो हकीकत के हिसाब से डीलिंग करें। तो बैंक के पास पोजेशन नहीं है, बैंक प्योरली एक सूदी काम कर रही है उसके अंदर। और इसके अंदर अहम बात क्या है ये 0% इंटरेस्ट में, कि इसके अंदर पोजेशन जिसके पास है उसके पास से हो तो ठीक है, कि बैंक अगर दे रही है तो वो बोगस डील है, दुकानदार खुद के पास उतनी कैपेसिटी है कि वो दे सकता है, अलग बात होती। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ये एक बात है। दूसरी चीज़, ये जो इंस्टॉलमेंट की किश्तें देनी है उसके अंदर लेट फीस नहीं आनी चाहिए। अगर कोई कहे कि अगर तुमने फला तारीख तक नहीं दिए तुमने तुम्हारा ये किश्त, तो तुम्हें इतना इतना लेट फीस और पेनल्टी देना पड़ेगा, वो पेनल्टी की वजह से भी वो सूदी ट्रांजैक्शन हो जाता है और ये चीज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये हमने 0% इंटरेस्ट के ताल्लुक से एक तहकीक देखी। अगला मसला जो हम देख रहे हैं वो कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, उनके मुतालिक है। हम देखते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये कई चीज़ें हैं जो इन्वेंट की गई है कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को या कुछ
ब्रांड्स को प्रिजर्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो बहुत अच्छे जूते बना रही है। अब बहुत सारे अच्छे जूते बनाते बनाते उसका कुछ नाम होता है, तो वो ऐसा करती है कि अपने नाम को लिखने की एक स्टाइल बनाती है और उसको ट्रेडमार्क कर लेती है। अब वो ट्रेडमार्क जो रजिस्टर हो जाता है, जैसे कोई भी जूते का ब्रांड है, तो वो ब्रांड को अपने नाम को उसने ट्रेडमार्क कर लिया, अपना लेबल लगा दी। अब मान लीजिए कि कोई एक और मैन्युफैक्चरर है, वो वैसा ही सेम डिज़ाइन का लेबल बनाता है और अपने जूते पर लगा देता है। तो जैसे फला मशहूर ब्रांड है, कोई बहुत मशहूर कपड़े का ब्रांड है, जूते का ब्रांड है, कोई चीज़ का ब्रांड है, जो दुकानदार और वो मैन्युफैक्चरर ने बहुत वक्त तक लोगों के अंदर पब्लिसिटी क्रिएट करके उसका डिमांड क्रिएट किया, लोगों के अंदर एक इंप्रेशन क्रिएट किया, एक दूसरा नया दुकानदार है वो खोल करके अपने इस पर वही चीज़ लगा देता है, तो क्या ये शरीयत के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से सही है या गलत है? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें क्या गलत है, इसमें बहुत सारी गलत बातें हैं। सबसे पहली गलत चीज़ ये है कि कोई कस्टमर आ रहा है, वो देखता है उस स्टिकर को और स्टिकर को देख करके समझता है ये वो ओरिजिनल वाली चीज़ है, हालांकि वो नकली वाली चीज़ है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो ओरिजिनल बनी हुई होती है और नकली यहाँ लोकल बनाई हुई होती, तो वो नकली पर भी वही नाम लगा होता है, तो उसके साथ धोखा हो रहा है। यहाँ पे धोखा ये हो रहा है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मुस्लिमूना इंदा शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों पर होते हैं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ धोखा देही करे हम में से नहीं है, मेरे मानने वालों में से नहीं है, वो हम में से नहीं है जो धोखा देही करता है। अब यहाँ वो कस्टमर के साथ धोखा हो रहा है, वो ओरिजिनल समझ करके लेगा लेकिन है वो डुप्लीकेट चीज़ और है वो नकली चीज़, तो पहला तो कस्टमर के साथ धोखा हो गया। दूसरा ये हो गया कि वो दुकानदार जिसने वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया, अब हम जिस निज़ाम के तहत रहते हैं, जो सिस्टम के तहत रहते हैं, वो सिस्टम के तहत ये रूल लगाया गया है कि ये इसका बनाई हुई प्रॉपर्टी है, ये इसका बनाया हुआ ब्रांड है, इसकी मारूफियत इसके साथ में है जुड़ी हुई। अब वो चीज़ में आप वैसा सेम चीज़ ना करो, क्योंकि वो उसका जो राइट है, वो उसके प्रोडक्ट का जो राइट है, वो राइट के अंदर दखल कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये उसके साथ भी गलत हो रहा है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। क्योंकि इसकी दलील क्या है, बुखारी की हदीस जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल मुस्लिमूना इंदा शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों पर होते हैं, जो शर्त के तहत तुम रहते हो, जो कानूनों के तहत रहते हो, जो चीज़ें हैं वो चीज़ के तहत तुम रहोगे। तो उलमा ने इस ताल्लुक से ही बताया है कि इस्लाम के अंदर इसमें डिस्टिंक्शन है कि वो लोग चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो भी उसका जो हक होता है वो हक होता है तब तक जब तक वो ऐसे नेशन में है जिसके साथ में अमन है। अगर ना भी हो तो लोगों के साथ तो कम से कम वो धोखा दही है ही। तो ये उसके ताल्लुक से हमने बात देखा। उसी तरह हम देखते हैं कि कॉपी राइट्स का सिस्टम होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप किताब देखेंगे, किताब के ऊपर लिखा होता है ये किताब कॉपी करने की आपको कोई इजाज़त नहीं है। कॉपी राइट्स के सिस्टम के जरिए पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स कहा जाता है। और कहा जाता है देखो मैंने ये किताब लिखा, ये किताब तुम कॉपी जेरोक्स बना करके दे दो, बांट दो, तो ये तुम्हारे पास हक नहीं है। इसके अंदर भी वही रूल अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ वो लिखने वाले की तरफ से या वो प्रोग्राम है, अगर वो प्रोग्राम बनाने वाले की तरफ से आमतौर पर है कि इसके अंदर वो चीज़ अप्लाई की जा रही है कि तुम जो ये चीज़ कॉपी कर रहे हो तो उसने जो लिखा और जो पब्लिशर ने टाइप किया, किसी ने डिज़ाइनिंग की, उन लोगों ने प्रिंटिंग किया, अब कोई और है जो उसको जेरोक्स बना करके निकाल दे मार्केट में बाहर, या कोई होता है जो डायरेक्ट लिखकर उसको प्रिंट कर ले, तो उसमें जो उसको डेवलप करने के अंदर मेहनत की गई, लिखने वाले की मेहनत की गई, डिज़ाइनर की मेहनत गई, टाइपिस्ट की मेहनत गई, पब्लिशर ने जो फर्स्ट कॉपी छापी, अब फर्स्ट बनाने में उसे कॉस्टली बहुत ज़्यादा खर्चा गया, पूरा रिसर्च में हो सकता है कोई एनसाइक्लोपीडिया हो जो पूरी डिज़ाइन की गई बनाई गई, और उसके बाद में कोई और आकर के डायरेक्टली उसे छाप रहा है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये उसकी चीज़ है, उसने लिखा है और वो कह रहा है तुम मेरी इजाज़त के बगैर कॉपी नहीं कर सकते, तो फिर ये चीज़ को वैल्यू करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, उसकी जगह कोई और चीज़ लो जो ओपन मार्केट में हो, फ्री को सोर्स हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जनरली ओपन लिखकर इंटरनेट वगैरह पे डाल देते हैं, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो जो फ्री सोर्स चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। बाकी जो इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उसके अंदर अगर हम कर रहे हैं, तो वही हदीस जो बुखारी की है कि मुसलमान अपनी शर्तों पर होते हैं, वो शर्त के तहत जो बात उसने कही, वो बात के तहत वो बात गलत हो रही है, इसी वजह से वो चीज़ से बचना ही बेटर है, वो चीज़ से बच जाना चाहिए। मोनोपोली के जैसे एक ही आदमी करे, कोई और उसमें कंपटीशन ना आए, इसे इस्लाम ने अपोज किया है। और हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोनोपोली क्रिएट करने वाली जो चीज़ें हैं, जिसे हम कहते हैं आज के ज़माने में जैसे ब्लैक मार्केटिंग वगैरह के ज़रिए ये जो चीज़ें होती है कि आदमी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, डिमांड को बढ़ा करके सप्लाई कम रखकर प्राइस बढ़ा दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि अगर कोई कॉम्पिटिटर को आने से रोक दिया जाता है मार्केट में,
जैसे हमने हदीस देखा, सही बुखारी की हदीस है कि बाहर से जब कारवां आता था तो कारवां का सामान कोई बाहर निकल करके जाके वहीं पर ख़रीद लेता है और वहीं वहीं बात सेटल कर देती है, यानी मार्केट तक सामान को आने नहीं देता, वो वहाँ से सामान लेकर खुद के भाव पे मार्केट पे लाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रांजैक्शन को हराम किया और कहा कि तुम उसके पास से अगर लोगे फिर वो मार्केट पे आगे भाव देखता है तो उसे इख्तियार रहेगा वो किस भाव में बेचना चाहता है। मतलब ये मोनोपोली क्रिएट करने वाली जो चीज़ें हैं जिससे कि कोई कॉम्पिटिशन ना हो मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है तो भाव कंट्रोल में रहता है, भाव रीजनेबल रहता है। लेकिन जब मोनोपोली क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है, उससे ये मामला होता है कि उसके अंदर फिर कोई और आ नहीं सकता है। अब सॉफ्टवेयर्स में और पेटेंट्स वगैरह के जरिए हम देखते हैं कि कुछ उसके एस्पेक्ट्स ये भी है जो मोनोपोली क्रिएट करने वाले एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे कि कॉम्पिटिशन मार्केट में ना उतरे और सिर्फ एक ही रहे, फिर वो अपना मन में जो भाव आए या ज़्यादा से ज़्यादा जितना निचोड़ करके वो लोगों से निकाल सकता है वो भाव लेता रहे। तो कुछ एस्पेक्ट्स इसके अंदर है जो वर्ल्ड लॉ में आज चल रहे हैं, वेस्टर्न इंटरेस्ट इसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये चीज़ एक बात है जो एक कॉमन सेंस के जरिए एक इंसान जो अपने दिल और दिमाग से सोचे तो हम देखते हैं कि ये बात टकराने वाली बात दिखती है कि जो दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जिस तरह से मोनोपोली क्रिएट करके जो प्रोडक्ट्स से प्राइसेस लिए जाते हैं खासतौर से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो कई बार रियलिस्टिक होने की जगह बहुत ज़्यादा होते हैं। नो वंडर हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स जब चल पड़ते हैं तो उनके साथ ये बातें होती है और किस तरह से वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनीज वो बन जाती हैं और सॉफ्टवेयर में किस तरह से बहुत ज़्यादा कमाने का चांस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोनोपोलिस्टिक चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर कॉम्पिटिशन को ना आने दिया जाए, इसी वजह से उस तरह से कानून बनाए जाते हैं। क्या ये सारे के सारे कानून एक्सेप्टेड है? हम तो यही अपील करते हैं दुनिया के इंसानों से कि उनको चाहिए कि गौर करें। आज दुनिया में ओपन सोर्स नाम की एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसके तहत इस चीज़ को अपोज किया जा रहा है और इसके अल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं और बातें बताई जा रही है। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ है जो काबिल गौर है, इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन मैं एट प्रेजेंट इस ताल्लुक से यही बात बता रहा हूँ, ऑफिशियली उलमा ने फतवा बताया है वो यही दिया है कि ये सब चीज़ों को भी ऑनर करना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने मोनोपोली को अपोज किया है, ये बात भी अपनी जगह पर रहती है। इसी चीज़ के साथ हमने आज के इस प्रोग्राम में तीन अहम मसाइल देखे। हमारा मकसद यही है कि हम सही बात क्या है जाने ताकि उसकी लिमिट में रहेंगे, हम गलत चीज़ों से बचेंगे, हराम चीज़ों से बचेंगे, जायज़ दायरे में रहेंगे। जायज़ दायरे में रहने में हमारे लिए ही खैर और बरकत है, हमारे लिए ही भलाइयाँ हैं, हमारे लिए ही दुनिया और आखिरत दोनों की अच्छाइयाँ हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दें। इस तरह जिस तरह आज के हमने प्रोग्राम में देखा, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मैं आप सारे देखने वाले हमारे नाज़रीन को दावत देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आगे भी शरीक रहें और इससे बेनिफिट उठाएँ और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी सारी डीलिंग्स जो एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है उसको इस्लामी शरिया और इस कुरान और हदीस की गाइडलाइंस जो सारे इंसानों के लिए सबसे भला रास्ता है, सबसे सही रास्ता है, जो रब की तरफ से आया हुआ रास्ता है, उसके अंदर लाकर दुनिया और आखिरत की खैर पाने की कोशिश करें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।